नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नो सीरीज यूओ टेक प्लस सीरीज के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूओ टेक प्लस सीरीज के आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं, जो कि किसानों को यूओ टेक प्लस सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा के यूओ टेक प्लस 585 DI की, जो कि फोर व्हील और टू व्हील में दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर फोर व्हील में आप देख सकते हैं, ये फोर व्हील में है और उधर टू व्हील में खड़ा है, दोनों ही काफ़ी शानदार है। यहाँ पर 50 HP श्रेणी में ये जो ट्रैक्टर है फोर व्हील में किसानों काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर है लो हाई मीडियम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में लो हाई मीडियम 12 फॉरवर्ड और साथ ही 3 रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट PTU लीवर देखने को मिल जाता है। ये जो 50 HP में किसानों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको डुअल क्लच देखने को मिलता है, फोर व्हील ड्राइव SLI PTU देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इसके टू व्हील ड्राइव मॉडल की, तो यहाँ पर आपको टू व्हील ड्राइव मॉडल देखने को मिल जाता है। फोर व्हील और टू व्हील में आपको ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको फोर व्हील और टू व्हील देखने को मिलता है, बिल्कुल SL PTU वही देखने को मिलती है, डुअल क्लच देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं लो हाई मीडियम के साथ 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स इंडिपेंडेंट PTU लीवर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ देख सकते हैं आप इसका पूरा लुक। और इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर यूओ टेक प्लस सीरीज के अंदर आने वाला एक और ट्रैक्टर की, 405 की, जो कि 39 HP का ट्रैक्टर है। ये भी काफ़ी शानदार है, टू व्हील में आता है, इंडिपेंडेंट PTU क्लच देखने को नहीं मिलता, डुअल इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही वही 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स वाला गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो 39 HP में है, और इसी के बाद यहाँ पर आपको 37 HP में यही मॉडल यूओ टेक प्लस सीरीज में 275 में देखने को मिल जाता है, जो कि सेम 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स में देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको इंडिपेंडेंट PTU लीवर देखने को नहीं मिलता, सेम यही ट्रैक्टर आपको देख सकते हैं जो है 42 HP में देखने को मिल जाता है, 415, सेम यही ट्रैक्टर है। इनमें आपको जो है 13 के टायर देखने को मिलते हैं और 585 में आपको 14 के टायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स के साथ आग देखने को मिलता है। तीनों मॉडल आप देख सकते हैं, एक मॉडल यहाँ पर जो है 42 HP का खड़ा है, वो 37 HP का खड़ा है, साथ ही 39 HP का खड़ा है, वहाँ पर 50 HP का मॉडल भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो इन तीनों में से आपको कौन सा मॉडल पसंद आया देख सकते हैं आप। 42 HP है, ये 37 HP और ये 39 HP और ये इधर 50 HP है, जो कि फोर व्हील और टू व्हील दोनों में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि महिंद्रा की यूओ टेक प्लस सीरीज आपको कैसी लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक किसान भाई के पास शेयर, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जवान।